कुमारी 2 अप्रैल 2018 को ST SC एक्ट के लिए हम लोग भारत बंद के लिए निकले हुए थे सरकार से कुछ मांग के लिए। उसमें हम लोग को वापस करने के लिए लाठी चार्ज किया गया था, जिसकी वजह से हम लोग के ऊपर भाजपा सरकार मुकदमे किए और हम लोग उसके वजह से बहुत कोर्ट कचहरी किए, जिसकी वजह से पढ़ाई में भी बहुत प्रभाव हुआ हम लोग का। और फिर उसके बाद अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोग को केस वापस कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी उसको धन्यवाद व्यक्त करने आए थे और हम लोग बहुत खुशी है कि अभी कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, हम लोग का बहुत परेशान हुआ है। देखिए, हम लोग का क्लास भी रहता है, फिर हम लोग को कोर्ट भी डेट मिलता है, हम लोग हमेशा कोर्ट जाते हैं। तो SCB कोर्ट हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग का भी कोर्ट में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग पढ़ाई भी छोड़ करके घर से भी इतना प्रेशर आता है। आप लोग पढ़ाई करने गए हैं, हम तो खुद बंगाल से आए हैं, हमको इतना अच्छा भी हिंदी नहीं आता है, फिर हम बोल रहे हमको तो घर में भी बहुत दिक्कत हुआ है। जैसे भी आप लोग इतना दूर बंगाल से झारखंड आए हैं तो ये सब करने के लिए आप आए हैं, ऐसे भी हुआ है। मामी लोग का बहुत टेंशन है, पापा लोग का, फिर ऐसे भी पढ़ाई इतना तक हम लोग पढ़ाई के भी फिर नौकरी नहीं मिलेगा, वो भी हम लोग का टेंशन भी रहता है। घर वाले लोग का भी बहुत कोई टेंशन होता है, इसलिए आज जो हम लोग का कोर्स कचहरी हम लोग जो जाते थे आज ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को उसका धन्यवाद जाने के लिए हम लोग यहीं पे आए हैं। उसका 2018 को भाजपा सरकार के द्वारा आदिवासी छात्र छात्राओं के ऊपर FIR किया गया था, लाठी चार्ज किया गया था, और आज जो हेमंत सोरेन की सरकार जो बनी है उस सरकार का हम धन्यवाद इसलिए देने आए हैं कि माननीय हेमंत सोरेन की सरकार जो है कैबिनेट में ला करके हम लोगों का जो केस है उनको रफा दफा कर दिए, वापस ले लिए। इसलिए हम लोग आज पूरा छात्र छात्रा सभी मिल करके उनका आभार यात्रा करने आए हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार है वो बहुत अच्छा है, पूरा देश में नंबर 1 CM है जो हम लोगों के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं, ST SC के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन आप 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, आप 50 साल तक, 100 साल तक आप राज करिए झारखंड में, जब तक सूरज चांद रहेगा हेमंत आपका नाम रहेगा। यही नारा के साथ हम लोग आशा उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन आप आगे बढ़ो, हम सब उनके साथ हैं।